शुरुआत हो चुकी है और आज हम जा रहे हैं अक्कू के गांव, दीदी के ससुराल, है ना? है ना अक्कू? हाँ जी बोलो। हाँ जी। हाँ जी। अक्कू पहली बार जाएगी अपने गांव। पहली बार? पहली बार। अपने गांव जा रही हूँ। कहाँ जाए? मेरे सर पे सबसे बड़ा कने बड़े लाख सी नहीं। आजल पैदवार खुश होके जाना चाहिए लेकिन सब जाना चाहिए नहीं रहेगी। आज दी और दिन रोएगे जाओ ना दीदी। क्या लगा अम्मा? जाल मंदिर याद आने चाहिए। तो गाइस यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, मंदिर है यहाँ पर दीवा माँ भगवती की। और ये देखिए हम यहाँ पर थोड़ा विश्राम करेंगे। और ये देखिए यहाँ बहुत ही डेंजरस रोड है, ये बहुत ही डर लगता है यहाँ। देखिए इतनी खतरनाक रोड है हमारे पहाड़ों में। ये देखो, ये देखिए जंगल, देखो कितना खतरनाक। चलो माँ भगवती जगदम्बा अष्टपद देवी जी का मंदिर। आके आ जोड़ आ जोड़ इनको जोड़। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर चौरी खाल का मार्केट है, थोड़ा सा छोटा मार्केट है, दो तीन होटल है यहाँ पर। और यहाँ पर मेला भी लगता है, चौरी खाल का मेला। यहाँ की फेमस बात ये है कि छोले बहुत टेस्टी होते हैं, यहाँ के बहुत फेमस है। क्यों सबके आला डाउन हमारे चौमिन? अरे छोला, हम यहाँ फेमस क्या है? छोले में नर छोला। हाँ तो छोले खाएंगे। बुरांस का जूस, बुरांस का जूस तो हमने बना रखा घर पे। चलो आ जाओ। चलो ये देखिए गाइस प्रकृति की सुंदरता, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ये थैलीसैंड वाली रोड है, इधर ही मतलब बिंदेश्वर महादेव इधर ही है, हंसेश्वर महादेव बिंदेश्वर महादेव। तो जहाँ दीदी का ससुराल है, दीदी का मतलब ससुराल का नाम जल्लू गाँव है, वो थैलीसैंड में पड़ता है, थैलीसैंड से ऊपर है। और मतलब बहुत ही अच्छा, वहाँ बहुत ही अच्छी खेती होती है। हमारे गांव से भी ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ, बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है। और गाइस वहाँ के लोग बहुत ही मेहनती है। और अभी आपने जो रास्ते में देखे होंगे भी नज़ारे, बहुत घना जंगल है यहाँ। बुरांस के फूल तो क्या बताऊँ मैं, इतने सारे हो रखे थे, इतना अच्छा लग रहा था बीच में। यहाँ के नज़ारे देखिए बहुत ही खूबसूरत है, ये देखिए चारों तरफ घने घने जंगल, देवदार और चीड़ के पेड़ों की मतलब अधिकता है, बहुत ही ज्यादा। ये रहा थैलीसैंड, दिख रहा? हाँ हल्का सा।
हम कहाँ जा रहे हैं? संध्या को पूछूंगी मैं अभी, हम कहाँ जा रहे हैं? हम घूमने जा रहे हैं। घूमने कहाँ जा रहे हैं? तरंग में। तरंग में बोल, हम अब घर लगे बोल, हम आप गाँव लगे बोल। अगर आपने यहाँ के छोले न खाए तो क्या खाए? यहाँ आए और छोले न खाए तो क्या खाए? समझो कौन आज टेस्टी। और इसको ज्यादा ही स्पाइसी बना लिया मैंने, तीखा। ये तो कुछ ज्यादा। दादी नहीं खाने वाली थी और मैंने जबरदस्ती बोला कि खाओ खाओ, बहुत ही टेस्ट हो रहा। उन्होंने बढ़िया फेमस छोले। तो गाइज हम पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ा यहाँ पर रुके हैं क्योंकि ये देखिए यहाँ का जंगल, वाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा, घना जंगल। और यहाँ पर जीजू ला रहे हैं हमारे लिए आइसक्रीम है, चोकोबार। कोई बात नहीं दादी, आइसक्रीम का मजा लेते हुए दा ठंडी। पहुंच गए हम जल्लू गांव में। और कितना टाइम हुआ हमें, मतलब 10 बजे निकले थे वहाँ से, 10:30 पे, और 12:30 हो रहा है अभी टाइम। तो ये रहा दीदी का ससुराल, छोटा सा गांव है। यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा हमें। और ये रहा रास्ता, चलो ना, ये रहा गांव, चलो नमस्ते 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 नमस्ते। देखा बहुत ही सुंदर गांव है और खूबसूरत नज़ारा, खेतों के बीच में रास्ता। नमस्ते 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 नमस्ते। तो ये रहा दीदी लोगों का घर। हमारा डुक्की अपने घर पे पहुंच गया है। हेलो हेलो करो, हेलो करो। तो गाइज अभी 3:30 हो रहा टाइम और हमारी घर जाने की तैयारी हो चुकी है। मैं घर जा रही हूँ, और इसको भी मैं जा रही हूँ घर, और अंजू तो कल सुबह आएगी, संजू भी नहीं आ रही, तो मैं जा रही हूँ चाचा लोगों के साथ। चलो तो फिर चलते हैं। बाला ना बाय कर दे, मौसी को बाय कर दे, बाय गाँव से आपको गाँव चु के गाँव छ बढ़िया संध्या बाय, जय वाह, ये बाय ये नहीं, बाय जय वाह, ना, याँ मैं, कौनसी चपड़ा दे, आने चाहिए, ले यार अकीरून बैठ गया, चल ठीक है चलते हैं।
बाय बाय कर ले संध्या, मजे के आएंगे मेरे जाने, चल बाय कर दे सबको, जल पे जाना है, कहाँ से जाएं घर, हाँ ठीक बाय, तो संध्या संध्या चल चल बेटा जा संध्या, जल पे जाना, चल चल बाय कर दे, ओहो बाय एंड नार्थ वाला।